भारत न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज 2024 को लेकर बड़ा अपडेट। भारत न्यूजीलैंड टेस्ट का तीसरा दिन आज कीवियों को 134 रन की बढ़त। रचिन और डेरिल नाबाद, टीम इंडिया 46 पर हुई है कल ऑल आउट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलुरु में खेला जा रहा है। आज मुकाबले का तीसरा दिन है। दिन का खेल सुबह 9:15 से शुरू होगा। बेंगलुरु टेस्ट का दूसरा दिन पूरी तरह से न्यूजीलैंड के नाम रहा। कीवी टीम ने पहले भारत की टीम को 40 पर ऑल आउट किया। उसके बाद दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 180 रन भी बना दिए। इसी तरह टीम को 134 रन की बढ़त मिल गई। रचिन रविंद्र डेरिल मिशन नाबाद लौटे। न्यूजीलैंड की ओर से कॉनवे 91, विलियांग 33 और टेम लोथम जो कैप्टन जो है टॉम लोथम, उन्होंने जो है 15 रन बनाए। वही रविंद्र जडेजा, अश्विन और कुलदीप को एक एक विकेट मिला। वही तीनों मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में जो है पहले दिन बारिश की वजह से पहला दिन का खेल खत्म हो गया था, रद्द हो गया था। गुरुवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दूसरे दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। उनका ये फैसला भारत के लिए बिल्कुल भी सही साबित नहीं हुआ। भारतीय टीम पूरी जो है 46 रन पर ऑल आउट हो गई। यह भारत के घरेलू मैदान पर सबसे छोटा स्कोर है। वह टीम के 5 बल्लेबाज शून्य पर आउट हुए। ऋषभ पंत जो है टीम के टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने 20 रन बनाए। वह न्यूजीलैंड के लिए मैट हेनरी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। विलियम ओरोक ने 4 विकेट लिए। वह टीम सऊदी को 1 विकेट मिला। तो पहले टेस्ट में जो है न्यूजीलैंड की टीम जो है भारत पर हावी दिख रही है। स्कोर बोर्ड की अगर आपको यहाँ पर बात बताएं तो यहाँ पर स्कोर कार्ड की अगर बात करें तो टीम इंडिया के 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जो 0 पर आउट हुए। यशस्वी जायसवाल जो है 13 रन इस मैच में उन्होंने बनाए, 63 बॉलों का सामना किया था। और इसके अलावा रोहित शर्मा 16 रन, उन्होंने यहाँ पर 2 रन बनाए 16 गेंदों में। विराट कोहली 9 बॉलों में 0 रन बनाकर आउट हुए। सरफराज खान 0 पर आउट हुए। लोकेश राहुल यानी के एल राहुल भी 0 पर आउट हुए। रविंद्र जडेजा 0 पर, रविचंद्र अश्विन 0 पर आउट हुए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह 1 रन और इसके अलावा ऋषभ पंत जो है 20 रन सबसे ज्यादा उन्होंने 49 बॉलों में बनाए। तो ये कुछ टीम इंडिया का स्कोर कार्ड रहा है। पहला विकेट भारत का 9 पर गिरा, दूसरा 9 पर गिरा, तीसरा 10 पे गिरा, चौथा विकेट 31 पे गिरा, तो भाई पांचवा विकेट 33 पे, छठा विकेट 34 पर, सातवां विकेट 34 पर, आठवां 39 पर और 40 पर नौवां विकेट गिरा और 46 पर भारत का 10वां विकेट गिर गया। इधर न्यूजीलैंड की तरफ से सिर्फ 3 ही बॉलरों ने बॉलिंग फेंकी। टीम साउदी ने 6 ओवर में 4 मेडल निकालकर 1 विकेट लिया। भाई मैट हेनरी ने 13 ओवर फेंके, 15 रन दिए, 5 विकेट चटके। इसके अलावा विलियम ओरोक ने जो है 12 ओवर 6 मेडल निकाले, 22 रन दिए और 4 विकेट उन्होंने भी चटकी। तो ये कुछ न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस रही है। भारत की बॉलिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह 10 ओवर में 23 रन दिए, विकेट उनको नहीं मिला। मोहम्मद सिराज ने 7 ओवर में 21 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। रविचंद्र अश्विन 11 ओवर फेंके, 46 रन दिए, 1 विकेट लिया। कुलदीप यादव 12 ओवर 57 रन, 1 विकेट और जडेजा 10 ओवर 28 रन, 1 विकेट उन्होंने चटका।